हमारे बीच में चौधरी सलाउद्दीन साहब तशरीफ रखते, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कृपया डाइन पर तशरीफ लाए चौधरी सलाउद्दीन साहब। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष सलाउद्दीन खान साहब, उपस्थित लोगों, आज जो म्यांमार में जो कत्लेआम हो रहा है ये सरकारी दहशतगर्दी है, स्टेट टेररिज्म है और एक विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ ये दहशतगर्दी है म्यांमार सरकार की, बर्मा सरकार की। आप लोगों से मुझे समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में अभी जो है वर्ल्ड फोरम का पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है इंडोनेशिया में बाली, बौद्धों के मुल्क ने जो बुद्धिस्ट है नेपाल के, थाईलैंड के और क्या नाम है भूटान के, नेपाल के, इन सब लोगों ने बर्मा सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। और मामला ये बुद्ध और मुसलमानों का नहीं है, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जब से कारपोरेट घरानों का उदय हुआ है पूरी दुनिया में जमीन की लूट खतोट मची हुई है। पिछले 10-12 सालों में बर्मा में, पूरे बर्मा में 31 लाख एकड़ जमीन इन रोहिंग्या लोगों की जो है जबरन फौज ने जो है छीना बिना मुआवजे के। असली बात लड़ाई है आर्थिक लड़ाई, उस आर्थिक लड़ाई को जो है पहले मिलिट्री रूल में, पहले जब मिलिट्री शासन था म्यांमार में बर्मा में, तब मिलिट्री के लोगों ने जो है रौंदा, बर्मा के जो है रोहिंग्या के लोगों को रौंदा, उनको मारा काटा। और जब से नोबल इनाम याफ्ता ये जो महिला है आन सान सू ची जा साहिबा, इनके आने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जो है इन मैडम से उम्मीद की जाती थी कि आन सान सू ची की सरकार आने के बाद तमाम बर्मा के म्यांमार के नागरिकों के साथ समान न्याय होगा, लेकिन इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो मिलिट्री रूल का था। आज हम इकट्ठा हुए हैं मुसलमान के नाम पर नहीं इकट्ठा हुए, और आपको जो पहले इंसान इंसान है, मानव मानव है, जब दुनिया में कहीं भी जुल्म और ज्यादति किसी मानव के खिलाफ हो, इंसान के खिलाफ हो, तो आपको बिना लिहाज धर्म जात नस्ल के आपको खड़ा होना चाहिए। आज आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं बर्मा सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, ये मुसलमानों का मामला नहीं है। थाईलैंड ने अपनी सरहदें खोल दी है, बुद्ध मुल्क है, लंका ने जो है एहतजाज किया है, आपका भूटान जैसा छोटा मुल्क ने भी जो है एहतजाज किया है बर्मा सरकार के खिलाफ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिलिट्री रूल है थी जो है बर्मा में, ये जो आन सान सू ची की जो सरकार है, 31 लाख एकड़ जमीन अब तक जो है रोहिंग्या के लोगों को जबरन कब्जा लिया है, बेदखल किया है, बिना मुआवजे के लिए लिया, आज उनके जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, वहाँ के मादनियात पर, माइंस पर कब्जा किया जा रहा है। ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये धर्म विशेष के लोग एक वहाँ पर आबाद है, उनको खदेड़ने की जो है म्यांमार सरकार की साजिश है, इसके लिए आप लोगों को, हम लोगों को, सबको आवाज उठाना है। ये कोई संप्रदाय की इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, पूरी दुनिया में नस्ली तशद्दुद के खिलाफ आज इंसान इंसान के खिलाफ जो है नफरत फैलाई जा रही है। उसी नफरत का हिस्सा हम म्यांमार में देख रहे हैं, उसको हमको, इस नफरत को खत्म करने के लिए लल्ला, हमारे प्रधानमंत्री अभी जो है म्यांमार गए, उन्होंने लगभग म्यांमार सरकार की उन्होंने जो है हिमायत की। हम भारत सरकार के विदेशी नीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, भारत सरकार इंडिया फर्स्ट के तहत भारत के हितों को ध्यान रख करके जो चाहे सो करे, लेकिन भारत की जनता सेकुलर है, इंसाफ पसंद है, न्याय प्रिय है, और ऐसे पूरी दुनिया की जनता वाशिंगटन में भी, यूरोप में भी जो है म्यांमार के लोगों के लिए, रोहिंग्या के लोगों के लिए जो है प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन होते आए हो रहे हैं, और ये इन्होंने भी नोटिस लिया है। आज हम उसी को इंडोर्स करने आए हैं यहाँ जंतर मंतर पर कि हम म्यांमार के लोगों को, बर्मा की सरकार को बताना चाहते हैं
कि रोहिंग्या के लोगों पर यह जुल्म ज्यादती नाकाबले बर्दाश्त है, ये इंसानियत के खिलाफ हमला, ये जेनोसाइड है, ये स्टेट टेररिज्म है, ये रोहिंग्या के लोगों के जमीन से छीनने का एक हथकंडा है। अब तक 41 लाख एकड़ जमीन जो है उनकी छीन ली गई है, उनको बेघर कर दिया गया। मैं दुनिया के उन तमाम शांतिप्रिय लोगों की, भारत के लोगों की, जो शांतिप्रिय लोग जो रोहिंग्या के लोगों की हिमायत करते हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज इस जो है इस धरने का आयोजन करने वाले अपने सभी साथियों का मैं बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने जंतर मंतर से एक आवाज उठाई। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।